हाँ जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम जरा चलते फिरते शुरू कर रहे हैं सोनाटा में। तो कल अभी कराई थी पोशर स्विक के आई थिंक, और अगला व्लॉग में हम आ गए हैं सोनाटा में। मेरी ज़िंदगी वैसे यही है, कभी किसी गाड़ी में काम, कभी किसी गाड़ी का काम। तो पहले ज़रा आपको थोड़ा इसका एक्सटीरियर लुक चेक करवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं अगली। कलर इसमें नाडो ग्रे है, जो कि मेरे ख्याल में सोनाटा का सबसे खूबसूरत कलर है, और हर एंगल में ये गाड़ी जो है ना खूबसूरत। पीछे से भी और आगे से भी। तो आज बस इसके थोड़े बहुत काम थे, वही कराने निकले हैं। तो अभी चलते हैं आगे और आपको लेके चलते हैं आज के नए व्लॉग में। और वैसे आपस की बात है कि अब सुबह से कुछ खाना खाया नहीं हुआ, और मुझे और ज़फ़ा भाई को भूख लगने शुरू हो गई है। वैसे तो ज़फ़ा भाई की शक्ल बता रही है नहीं तो अभी कोई हिसाब किताब लगाते हैं ऑफिस में जाके, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी तब तक आपको ज़रा सोनाटा के चीज़ें वगैरह बता दो कि इसमें फुल डिजिटल डिस्प्ले है और सामने हेड्स अप डिस्प्ले है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, कैमरे में कम ही नज़र आता है। उसके अलावा ब्राउन इंटीरियर है, और इसका जो गियर नॉब है ना वो बटन्स में है, और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है बाकी गाड़ियों से, क्योंकि शिफ्ट नॉब मोस्टली हर गाड़ी में ही आता है, अब चेंजिंग होने शुरू हो गई है गाड़ियों में। और इसमें वायरलेस चार्जर भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे इस टाइम घर से निकलना अजाब ही है, बच्चों को स्कूल से हुई होती है छुट्टी, और हर चौक में हर गली में ऐसे रश लगा होता है जैसे सुहाग का काम होता है। ये हमारा स्टेडियम है जो कि भी रेनोवेट हुआ है, और इसका नाम है जिना स्टेडियम, और ये इसको कहते हैं जिना स्टेडियम वाला पुल, जो कि हमारे ज़फ़ा भाई को पसंद है बहुत ज़्यादा। नहीं बॉयज, बिल्कुल ना पुल के सेंटर में डीज लगी हुई हैं फ्रेंगोस की और हार्डीज की, तो इनको देख के ना फिर से ज़रा वो 3500 में दो लार्ज पिज़्ज़े। वैसे लार्ज पिज़्ज़ा कोई एक इंसान तो ख़त्म कर नहीं सकता, लेकिन हम आप हमारे हुज़ैफ़ा भाई को जानते नहीं हैं, वो चाहे तो लार्ज कर सकता है मतलब हम दोनों मिलके ना कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं। क्या बोला तूने? हमें इजी कोई ना ले, और खाने में तो बिल्कुल भी ना ले। हुज़ैफ़ा भाई और मेरे ला पहला प्यार है खाना, आप हमारे पेटों से अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे यस मोला बोल चलें अब जल्दी से ऑफिस पहुंचते हैं, फिर कोई आगे की रूटीन देखते हैं कि करना क्या है आज। अच्छा तो बॉयज, हमारे सियालकोट के कैंट के रिहायशियों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी मजा आएगा ना। हमारा यहाँ पे थोड़ी सी एक पुली कह लें जो कि नाले के ऊपर बनी हुई है, तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती थी, लेकिन अब इन्होंने हफ्ता दो हफ्ते हो गए, काम तो काफ़ी महीनों से शुरू है, पर अब जरा ना पुल को बड़ा कर रहे हैं, और सुना हुंडे का भी नया मॉडल आ गया, वो भी नया स्टिकर लेने वाला है कोई, ये भी पुल बड़ा कर रहे हैं। जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे ही ट्रैफिक जाम होती है ना, स्कूल के टाइम, छुट्टी के टाइम, और वैसे भी कोई अगर फेस्टिवल आ जाए तो अभी जब ये खुला हो जाएगा ना तो फिर काम हो जाएगा फुल ईजी। और हमारे ऑफिस के लिए हमें टर्न लेना पड़ता है ये रेट्रो और HFC के बिल्कुल साथ से, इधर से हमने हो जाना है राइट, जो कि अगर हमें बाइक वाला जगह दे तो हम गुजर सकेंगे, और इसके बाद बिल्कुल सामने पहले ही टर्न के कॉर्नर में बिल्कुल हमारा ऑफिस है 4-star रेंटेकार ले जी अब दफ्तर के बाद मैंने स्विक करी है, तो अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं ऑफिस के बिल्कुल साथ। वैसे हम लोग गाड़ियाँ वगैरह वॉश भी इधर ही होती हैं, तो बिल्कुल पास ही जगह है, चलें जी निकलते हैं। A few moments later. Okay, अब इस गाड़ी का थोड़ा सारा एक इशू है, इसको लपेटना है, और एक हमारे पास ये भी है ये उम्र की है ना उम्र निकलते हैं। अभी मैं कोई हिडन बिरयानी का स्पॉट बताने वाला हूँ, जिसकी बिरयानी सियालकोट की वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी है।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वो है ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। पुल ऐप चौक में है जी, ये सामने गोल्डन बिरयानी। इसकी बिरयानी ऐसी है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। ले बॉयज, हुज़ैफ़ा चला गया बिरयानी लेने। बिरयानी जैसी आती है तो फिर सीधा चलते हैं ऑफिस और वहां जाके इसका सदे भाव लगाते हैं। आज पता नहीं ट्रैफिक को हुआ क्या हुआ, इतना ज़्यादा रश। Day two. Boys, अब हम निकल पड़े हैं अपने एक और मिशन पे। और अब की बार हम निकले हैं स्विफ्ट एक्स में, क्योंकि इसके ज़रा पिछले टायर से ना हल्की सी एक आवाज़ आ रही थी। अब वो लेके जाएंगे टेंटर के पास, तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या इशू है, इसकी जो आवाज़ है वो क्यों है, और उसके बाद इसको करवानी है सर्विस, क्योंकि ये गाड़ी बहुत गंदी हुई है। बहुत से मुराद बहुत ज़्यादा वाली गंदी हुई है। सामने सर संस बात ले रहे हैं। ये आ गया जी एमनाबाद रोड। अब एमनाबाद रोड के बिल्कुल सामने है रोशनी मैरिज हॉल, और उसकी ऑपोजिट साइड में है खालिद भट्ट साहब का वर्कशॉप। हमारे हुज़ैफ़ा भाई को रास्ते में चलते चलते प्यास लग जाती है, तो अभी वो गए हैं ज़रा अपना सदे भाव लगाने। कोई ऐसा एक घंटा नहीं है जिसमें हुज़ैफ़ा भाई कुछ खाए पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितना माशाल्लाह उसका छोटा सारा पेट है ना, उसमें जगह माशाल्लाह बनती रहती है। अभी हम बस वर्कशॉप पहुंच ही गए थे, पर पहले ब्रेक लग गया, और जी फाइनली वर्कशॉप आ गई है। लेनी बॉयज, भट्ट साहब ने चेक कर लिया, और जो मसला है वो असल में निकला है इसके अंदर। ये सामने जो लोहे की गार्डरी नज़र आ रही है ना, इसकी छनछनाहट की आवाज़ थी, जो कि हमेशा जब भी किसी जंपर में या खड्डे में गाड़ी लगती थी ना, तब आती थी। गाड़ी का वॉक अराउंड देता हूँ। ये सिल्वर कलर है जो कि इस गाड़ी में पूरा उठता है एक दफ़ा। हालत मारी है गाड़ी की, वो बस अभी जा कर सर्विस करवाते हैं, तो फिर आपको उसके बाद इसका व्यू दिखाएंगे कि क्या इस गाड़ी का टोरा है। के भी लॉक शॉक चेक कर रहे हैं, लेकिन मेन जो मसला है जैसा कि मैंने आगे बताया वो यही है। चलें अभी इसको यहाँ से सही कराते हैं। अभी यहाँ से ओपन करेंगे सीट, और फिर वो जो गार्ड रही है ना वो यहाँ से कसी जाएगी, उसके बाद फिर काम हमारा हो जाएगा। ओके, भाई को भूख लगी थी, आप उनकी शक्ल देख के बताएं। सीट बाहर निकल गई है और वो है गार्ड रही। मैं बॉयज वो वाला काम करा रही, लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं थी गई। से ना हो पाएगा। अभी गाड़ी को ज़रा ऊपर करके लगाया, और सिलेंसर के नीचे एक पतरी है, उसका नक्का टूटा हुआ है, जो कि ये है, यही पतरी बार बार उसको लग रही थी, इस तरह से आवाज़ आई है। अभी इसको करवाते हैं रिपेयर, और दोबारा लगवाते हैं गाड़ी के नीचे, और फिर ट्राई करते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं। ये वो सील वेल्ड हो गई है, और अभी भाई फिट कर रहे हैं दोबारा उसको नीचे। ये सिलेंसर के बिल्कुल ऊपर लगी होती है बॉडी के साथ, और जिस तरह से उसका एक नक्का टूट गया था, और वो बार बार बॉडी को लग रही थी। अभी स्विक का काम खत्म हो गया था, अब नेक्स्ट अब आ गया है वैगन आर की ट्यूनिंग करवाने। अगर ऑयल चेंज ही होना है, इसका ऑयल चेंज है, फिल्टर चेंज होना है, उसके बाद इसकी भी सर्विस करवानी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूरा दिन क्या करता रहता हूँ, बस यही सारा कुछ करता रहता। तो अब आई थिंक इसकी ट्यूनिंग ओवरड्यू हो गई थी, अब बस ऑयल चेंज कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। लेडी बॉयज, ट्यूनिंग हो गई है, अब बस निकलते हैं, सीधा चलते हैं गाड़ी सर्विस करवाने। A few minutes later. आ गए हैं फाइनली, अब हम कार वॉश में। अभी ज़रा रश थोड़ा ज़्यादा, वो सिटी निकलने वाली है, जैसे ही वो निकलती तो फिर इसको वहाँ पे लगा के यानी कि चेक पे ऊपर चढ़ा देंगे, काम लग जाएगा। अंदर से भी गाड़ी वॉश होते हुए देखने का अपने मज़े। मैं सो गया हुआ था वैसे, अभी पता नहीं कितना टाइम लग नहीं आज उनको, पता नींद ही पूरी कर लेते हैं। 2,000 years later.
गाइस वॉश हो गई है, अच्छे तरीके से सर्विस हुई है गाड़ी की, पूरी जेंगो मैंगो हो गया, बस कपड़ा लग रहा है और कपड़ा ला के बस निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी वॉश करवाते करवाते लग गई है प्यास। हेलो, के पास ना हमेशा बोतलें होती हैं पूरी चिल। ये नज़र आ गया है मुझे मेरा बूस्टर, ठंडा नहीं है यार, गजब बेइज्जती है, चिल ठंडा नहीं है। बॉयज गाड़ी वॉश हो के पूरी हो गई है जेंगो, अब जा रहे हैं ऑफिस ऑफिस की तरफ। तो बस अब और कुछ करना है नहीं, बस अब गाड़ी जाना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।